वेलकम डाटा इनइक्वालिटी इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। लास्ट ईयर 2016 में SBI PO प्री में डाटा इनइक्वालिटी का सेट जो आया था बड़ा ही शानदार था, और दूसरे एग्जाम्स में जो भी आए बहुत आसान आसान आ रहे थे। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेता है। अगर आप अलर्ट न रहे तो गलत हो जाएगा। ये वो सेक्शन है जहां मैं कहता हूं 5 questions in 2 minutes विद 100% एक्यूरेसी, लेकिन अगर अलर्ट न रहे तो ये एक्यूरेसी नहीं रह पाएगी। आइए इसमें आप एंजॉय करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक्स मैं लगातार बोलता चला आ रहा हूं, फिर भी कुछ तो बोलूंगा ही ताकि कोई पहली बार भी देख रहे हो तो उन्हें समझ में आए। सबसे पहले डायरेक्शंस, सॉल्व द इक्वेशंस गिवन बिलो एन आंसर। 1 इफ एक्स इज लेस देन वाई, 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, 4 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, and 5 if x equal to y or no relation can be established। ये चैप्टर दरअसल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए परेशान रहते हैं। डाटा इनइक्वालिटी वर्चुअली उसका बड़ा पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही संबंधित है, लीनियर इक्वेशन भी होते हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो इनको समझने का है। ये रिलेशंस ही हम जानते हैं जिनका नामकरण है। x इज लेस देन y अगर आता है तो 1 बोलेंगे, x ग्रेटर देन y आता है तो 2 बोलेंगे, ग्रेटर देन या इक्वल टू y आएगा तो 3 बोलेंगे, लेस देन या इक्वल टू 0 इक्वल टू y होगा तो उसे हम 4 बोलेंगे, और x इक्वल टू y होगा या इनमें से कोई ना होगा तो नो रिलेशन आउट ऑफ एनी वन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। ये इसका कहने का मतलब है। इसका और क्या मतलब है हम लोग आगे बात करेंगे। तो सब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इसके 5 के 5, लेकिन बहुत शानदार है। आइए देखिए। तो हम लोग जानते हैं, पहले बात कर चुके हैं कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस शेप में लिखा जा सके तो एक्स का वैल्यू अल्फा और बीटा यही 2 होते हैं, और हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी रूप में लिखेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट है 6x² + 31x + 35 = 0, ठीक है। फिर सेकंड लिखता हूं। इसका जो बेसिक्स है वो समझिए। x² का कोफिशियंट, x का कोफिशियंट और कांस्टेंट, यही 3 टर्म्स दिखने चाहिए। x² का जो कोफिशियंट है विद साइन लेके आते हैं +6, और ये कांस्टेंट को लेके आते हैं +35, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो +(+)+, इसका एक अर्थ है, और माइनस हो तो दूसरा अर्थ है। फैक्टराइज करते हैं 6 को 2 × 3 और 35 को 5 × 7। फैक्टराइज किए, ये प्लस कहता है कि आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ठीक 2 नंबर बनाइए इस तरह से कि दोनों को ऐड करके ये आए। ये माने समझ रहे, ये माने प्लस यहां लिखा है रहने दीजिए, यहां इनटू एक्स है +35 है रहने दीजिए, ये जो 31 है ना 31 इसके जगह पर लिखा है, बस इसके अंदर लिखा है। इधर क्या छोड़ दीजिए, इसके अंदर लिखना है। प्लस रहे माइनस रहे बाहर की बात है, इसके अंदर लिखना है। क्या लाना है 31। सोचिए क्या 15 और 14 लेंगे, 7 × 2 = 14, 5 × 3 = 15 नहीं लेंगे, क्योंकि 15 और 14 तो 31 नहीं होता। क्या ले, ये 21 और 10 ले, यस
ये 21 और ये 10 ले, यस, दोनों को ऐड करके 31 होता है, और ठीक इसकी जगह पर लिख दें 21 प्लस 10। लिख दिया, ये समझ गए। ये समझने के बाद इतना कुछ लिखना नहीं होता, यहां देखिए 6x² है ना, और आगे 35 है, मैं एक बार ऐसे लिखता हूं, आप कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे यहां माइनस है, यहां तो प्लस है, यहां तो माइनस होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो साइन सबों के उलट जाएंगे, वैल्यू नहीं उलटेगा, क्योंकि देखिए -21 और -10 मिलकर के -31 हुआ, और माइनस से मल्टीप्लाई की तो +31 हुआ, क्योंकि हम उसी इक्वेशन को लिख रहे हैं, तो अलग कैसे हो सकता है। ये समझ में आ रहा है। इसके बाद एक्स स्क्वायर है, 6x² तो नहीं है, तो इक्वल टू 0 है, हम लोग हर किसी को 6 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 6 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 6 से कर देते हैं, इसे भी 6 से कर देते हैं, इसे भी 6 से कर देते हैं, इसे भी 6 से कर देते हैं, तो अब आ गया, एक बार समझ लीजिए, अब आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये आया -21/6 और -10/6 एक्स, और आगे सो हमें बाकी से क्या मतलब, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, हमें सिर्फ मतलब है अल्फा बीटा से, और वो क्या निकला, अल्फा इज इक्वल टू 21 -21/6 और बीटा है, अल्फा का मतलब हुआ वही एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू दिस और -10/6। ठीक, अब होता यह है कि ये ऐसे ऐसे लिखने की क्या जरूरत है, लिख लिया ना, लिख लिया, ये सब हम लोग कुछ लिखते ही नहीं है, बात है कि हम लोग ये सब लिखते ही नहीं है, लिखते ही नहीं है, लिखते ही नहीं है, हम लोग क्या करते हैं समझ रहे, देखिए क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको तो लिख सकते हैं ऐसे, प्लस है तो माइनस कॉमन लिया और 6 से डिवाइड किया, बस एक्स इक्वल्स -21/6 और -10/6, बस 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 ये लिखते हैं, समझ गए। सेकंड वाले में देखिए, और वैसे ही शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, उसका जो सेकंड इक्वेशन है वहां से y का वैल्यू निकलेगा, तो ये 2y² + 3y + 1 = 0 है, रूल समझिए फिर फास्ट कर लीजिएगा, +2 × +1 तो +(+)+ ऐड करके लाना है, 2 × 1 = 2, अब 2 × 1 का फैक्टराइजेशन तो यही होगा और तो कुछ होगा नहीं, और ये 3 है ऐड करके लाना है, तो 2 + 1 कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट के अंदर में 2 + 1 लिखिए, यहां तो y है, बस बस कुछ करना नहीं, लेकिन यहां तो प्लस है ना, तो हम लोगों का साइन उलट जाएगा, और फिर 2 है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आया y का वैल्यू, क्या आया, क्या आया, -1 और -1/2, बताइए समझ में आया। ठीक, अब मैं नंबर लाइन पर बताता हूं, लेकिन नंबर लाइन का नेचर करैक्टर आप जानते हैं, आप जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होता रहता है, बड़ा होता है, जैसे कहीं यहां 0 होगा, इस तरह से इनको सजाइए, देखिए सजाइए, सजाएंगे तो क्या आएगा बताइए, -1/2 अगर हम यहां लिखते हैं तो -1 तो इधर होगा ना, इधर मान लीजिए यहां कहीं 0, और इसमें देखिए इसमें इसमें ये क्या होगा, -10/6 यहां कहीं होगा ना, और -21/6 यहां कहीं होगा ना, अगर आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम होता हो तो डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए, जैसे ये -1 है ना, इसको लिख सकते हैं 6 × 6, और इसे लिख सकते हैं (3)(3), अब तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम होता हो तो ये क्या है -6/6, ये क्या है -3/6, अब बताइए बाई सिक्स को भूल जाइए, क्या दिखता है -21, -10, -6, -3, तो नंबर लाइन पर ऐसा होगा कि नहीं, और आप क्या देख रहे हैं फॉर ऑल वैल्यू, ये कौन है और ये कौन है, ये y वाला जो वैल्यू है y बड़ा हुआ ना बताइए, और x छोटा हुआ ना, x is less than y, x का वैल्यू y से छोटा हुआ हर हालत के लिए, मैं किसी भी वैल्यू के लिए, तो x is less than y, 1 नंबर आंसर, इसका आंसर हुआ 1, x is less than y, बोलिए ये आप समझे या नहीं। सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं,
सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, देखने में लगता है इतना डर लेकिन जानते हैं जो जितना भड़कीला होता है वो उतना आसान होता है। अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, एक बार तो देखिए। फर्स्ट क्या लिखा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, फर्स्ट है 6x2, सॉरी फर्स्ट है इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन 2x2 माइनस 4 प्लस रूट अवर 13x प्लस 2√13 इज इक्वल टू 0 लिखा है। रूल के मुताबिक प्लस इनटू प्लस प्लस ऐड करके लाना है, 2 × 2√3 2 × 2√13 क्या हुआ 4√13, इसको 2 नंबर बनाइए ऐसा कि ऐड करके 4+√13 आए। अरे ये तो है ही 4+√13, लिखेंगे क्या है तो लिखा हुआ है और माइनस भी है, कुछ करना ही नहीं था। 2 से डिवाइड कीजिए ऐसे, मतलब यहां पर, यहां नहीं, जो नई जगह पर है 4+√13 और हमें ये 2 तो चाहिए नहीं, 2 से डिवाइड कीजिए, माइनस तो है ही, कुछ करना नहीं है। तो x का वैल्यू क्या आया, 2 आया और √13/2 आया, ये तो ठीक है, समझ गया, 2 आया और या फिर √13/2 आया। अभी दिक्कत है, अभी हम लोग देखेंगे, देखिए पहले सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड इसका इक्वेशन जिससे y का वैल्यू निकालेंगे। क्या लिखा हुआ है, 10y2, देखिए 10y2 माइनस 18 प्लस 5√13 y प्लस 9√13 इज इक्वल टू 0 है। देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस, 10 × 9√13 क्या हुआ 90√13 90√13 90√13 को लिखिए, देखिए देखिए 18 5 हुआ कि नहीं, 18 बचे 90 18 5√3 देखिए लिखा हुआ है, कुछ करना ही नहीं है। अरे यहां लिखा हुआ है 18 प्लस 5√13 और 10 से डिवाइड कर दीजिए, यहां तो ये है ही, हो गया। कंपेयर कर लेते हैं, यहां तो कुछ नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है। y का वैल्यू ये तो आया 18/10 और यहां आया हाफ √13/2, ये तो ठीक है आया, ये वैल्यू इक्वल भी है, ये भी दिखता है, पर इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है, कैसे पता चलेगा ग्रेटर कौन है, बताइए बताइए बताइए, कैसे करें कैसे करें कैसे करें, एक स्केल पर लाना तो जरूरी है, कैसे लाएं किस एक स्केल पर, मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग नीचे 10 है ना, एलसीएम लीजिए 10 बनाते हैं, 10 बनाने के लिए इसको 5 से करना होगा ना, और 5 इधर जाके 25 होगा ना, और 25 देखिए 5 जाके अंदर 25 होगा, और 25 × 13 क्या होगा 325 बाय 10, और ये कितना है, ये तो 18/10 है। 18/10 को क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो √324/10 बोलेंगे, और ये कितना आया था 25 आया था, कितना क्लोज है, गलत ही हो जाता, समझ रहे हैं, इसका वैल्यू तो यहां अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं अगर ठीक ठीक न निकालते, क्या पता कहीं इसमें भी कुछ गड़बड़ ना हो, आइए चेक कर लेते हैं। ये तो समझ में आ गया, इसे तो हम लोग लिखेंगे 5 से 25, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा √325/10, और ये कितना आएगा, इसको लिखते हैं 10, मतलब नीचे तो बाय 1 है 10, ऊपर भी 10, 20 या 20 क्या हो जाएगा 400। अब हमें दिखाई देता है कि ये क्या है, ये जो √400/10 कहीं होगा, फिर √325/10 कहीं होगा, और फिर √324/10 होगा। आप जरा गौर कीजिए इन दोनों का वैल्यू, ये y का वैल्यू है और ये x का वैल्यू है, तो x इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, इसका आंसर हुआ थर्ड, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ये सॉरी यहां पर
एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, और यहां ये पहले वाले का यहां आंसर था, एक्स इज लेस देन वाई। फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का है, समझ गया? ये सेकंड क्वेश्चन था, बताइए कितना बढ़िया था। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड में क्या है, आइए देखते हैं। थर्ड देखते हैं, 2x² + 9x + 10 = 0। और सेकंड क्या है, सेकंड लिखता हूं, पहले देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस ऐड करके लाना है, 2 × 10 है, 2 × 10 को भी 2 × 5 लिखते हैं, 4 और 5 लिख सकते हैं ना, यहां पर 5 यहां पर 4 प्लस प्लस प्लस, लेकिन यहां प्लस है, माइनस कॉमन लेना होगा, तो ये माइनस होगा कि नहीं, 2 है, डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, -2.5, और ये क्या आएगा, -2। ये तो ठीक है, आइए सेकंड वाला जो इसका इक्वेशन है, इससे y का वैल्यू निकलेगा, y 4y² + 28y + 45 = 0। प्लस इंटू प्लस प्लस ऐड करके लाना है, 4 का तो मतलब 2 × 2 होता है, 45 का मतलब 3 × 3 × 5 होता है, ऐड करके 28 लाना है, क्या 45 और 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, देखिए ये 18 और 10 ले सकते हैं, 9 × 2 = 18 and 10, यस ले सकते हैं, तो 18 और प्लस 10 लिख दिया 28 की जगह में, लेकिन ये प्लस है तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे, और 4 से डिवाइड करना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 4.5 माइनस, और ये क्या होगा, 2.5 माइनस। अब अगर आप नंबर लाइन पर दिखाते हैं तो ये साफ है कि -4.5 यहां है, -2.5 यहां है, और -2 यहां है। y का जो वैल्यू है, y इज इक्वल टू दिस और दिस, y का वैल्यू ये दोनों है, और x का जो वैल्यू है -2.5, और ये यहां पर है x। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू y, यानी आंसर इज 3। इसका आंसर हुआ 3, आइदर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, आइए फोर्थ, 15x² फर्स्ट वाला क्या है, 15x² - 11x - 12 = 0। हाँ, प्लस इंटू माइनस 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 लेस करके लाना है, किसको लाना है, 2 × 2 × 3 है, और 15 का मतलब 3 × 5 है, लेस करके क्या लाना है, क्या लाना है, क्या लाना है, 11 को लाना है, 11 लेस करके लाना है, कैसे लाए, 15 और 12 ले सकते हैं, नहीं, 15 और 12 में लेस करने से 11 नहीं आता, तो क्या लें, 15 और 11 नहीं ले सकते, 9 और 20 ले सकते हैं क्या, यस, देखिए ये 20 है ना, 5 × 4 = 20 है ना, और ये 9 है, यस, ये ले सकते हैं 11, तो क्या लिखेंगे, 20 - 9, और इसको 15 से डिवाइड करना है, ठीक है, इसको इतना हुआ और 3 से डिवाइड कीजिए, इतना हुआ माइनस, यानी कि x का जो वैल्यू आया 4/3 आया, देखिए जरा ध्यान से देखिए क्या आया, 4/3 आया या -3/5 आया, ओके। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसका जो है y का वैल्यू निकालिए, इसमें लिखा हुआ है 20y² - 49y और +30 = 0। प्लस इंटू प्लस प्लस ऐड करके लाना है, किसको लाना है, 20 का मतलब 2 × 2 × 5, 30 का मतलब 2 × 3 × 5, हाँ 49 लाना, ऐड करके लाना है, कैसे लाएं,
ये 20 हुआ और ये देखिए 50, 30 हुआ, 30 और 20 तो 50 होता है, 49 तो होता नहीं है, सोचते हैं, देखिए देखिए कितना होता है, 8 इंटू 3 24 होता है, 25 होता है, यस 24 प्लस 25 49, यानी हम लोग इसको लिखते हैं 25 प्लस 24 और 20 से डिवाइड करते हैं, ये क्या होगा 5 बाई 4 और इसमें क्या आएगा, देखिए किसे से डिवाइड कीजिए, 4 से कीजिए, देख लिया आपने। अब जरा देखिए कौन सा वैल्यू कहां है नंबर लाइन पर, आप इसका वैल्यू लगभग 1.33 बोल सकते हैं, इसका वैल्यू माइनस 0.6 बोल सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू तो क्या हुआ 1.25 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1.2 हो जाएगा। जरा गौर कीजिए नंबर लाइन पर यदि दिखाएं तो माइनस 0.6 यहां होगा, 1.33 यहां होगा, एक्स का वैल्यू इन दोनों में कोई होगा और वाई तो यहां होता है 1.2 और 1.25। रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड क्योंकि वाई का ये वैल्यू इससे ग्रेटर है और इससे लोअर है, यानी वाई एक्स से स्मॉलर भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, and none of the relation, in none of the relation, this relation is given. ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि जो y है वो x से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या तो larger है तो equal हो सकता है, smaller है तो equal हो सकता है, larger भी हो सकता है, smaller भी हो सकता है, ऐसा कोई relation नहीं है। Out of these five, no relation can be established. So answer is, no relation can be established. Answer 5 है, लेकिन 5 में इक्वल टू भी है पर वो वाला नहीं है, क्या है, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश, ये वाला पार्ट, फिफ्थ नंबर आंसर, ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, आइए लास्ट क्वेश्चन इसका। फर्स्ट है 2x² - 15 = 7x, मतलब परेशान करने के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ा, थोड़ा सजा भी लीजिए नहीं तो आप समझिए, इसका कहना है अरे इधर लाइए ना भाई 2x² - 7x - 15 = 0, प्लस इंटू माइनस 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 लेस करके लाना है, 2 2 2 2, 15 का मतलब 3 × 5, 7 कैसे लाएं, 6 में से 5 लेस करेंगे तो होगा नहीं, 10 में से 3 लेस करेंगे तो होगा, यस 10 - 3x, 2 से डिवाइड किया 5 और माइनस 1.5। सेकंड वाला सेकेंड वाला क्या है, 17y = -7 - 6y² सबको इधर लाइए, 6y² + 17y, देखिए इधर है ही, और +7 = 0, प्लस इंटू प्लस प्लस एड करके 17 लाना है, 6 का मतलब 2 × 3 और 7 तो 7 ही रहा, क्या लाना है 17, 14 एंड 3 ले 17, 14 एंड 3, ये 14 है ये 3 है, ऐड करके 17 आया, लेकिन प्लस है माइनस कॉमन लिया, 6 से डिवाइड किया, देखिए वैल्यू क्या आता है, -7/3 आता है और -1/2 आता है। अब जरा गौर कीजिए, क्या गड़बड़ है, ये 5 है, ये -1.5 है, ये x का वैल्यू है और y जो है -1/2 तो यहां कहीं आ जाएगा ना, बस खत्म हो गया, और -7/3 यहां कहीं आ जाएगा ना, देखिए ये y यहां आ जाएगा, सो रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश, x का ये वैल्यू y के इससे लार्जर है, इससे स्मॉलर है, या y का ये वैल्यू x के इस वैल्यू से स्मॉलर है और इससे लार्जर है, सो no relation can be established out of these five. These five means यहाँ तक, that means answer is 5. इसका भी answer 5 हुआ, no relation can be established. बोलिए ये पूरा quadratic equation ही बोल लीजिए,
डाटा इनइक्वालिटी जो स्पेशली पूरी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आधारित था। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं, और चाहे कैसा भी क्वेश्चन सेट आए आप एग्जाम में बना सकेंगे कि नहीं। ऑल द बेस्ट।